See, when they asked me to do part two of Hera Ferry, I did not do part two because I thought this ends here. Now you have to force the film to. ये बात सब जानते हैं कि प्रियदर्शन ने द लेजेंडरी फिल्म हेरा फेरी डायरेक्ट की थी, जो एक रीमेक था रामजी राव नामक एक मलयाली फिल्म का, जो रिलीज हुई थी 1989 में। रामजी राव स्पीकिंग, कबीरा स्पीकिंग। हेरा फेरी को आज भी एक कल्ट क्लासिक माना जाता है, पर इस मूवी के बिहाइंड द सीन्स कुछ अलग ही चल रहे थे। एजी नाडियावाला जो हेरा फेरी फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उनके बेटे फिरोज नाडियावाला ने ये क्लेम किया कि प्रियदर्शन ने 3 घंटे 40 मिनट की एक फिल्म बनाई, पर वो बहुत ज्यादा ही डिप्रेसिंग थी और प्रियदर्शन हेरा फेरी के एडिटिंग और डबिंग के टाइम बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे। इनफैक्ट लेट नीरज वोरा, जिन्होंने हेरा फेरी का स्क्रीन प्ले लिखा था, उन्होंने हेरा फेरी को फिनिश किया। पंच लाइंस एड के डबिंग के टाइम काफी सारे सीन्स को उन्होंने कट किया और इस मूवी को फनी बनाया, जिसको आज हम जानते हैं। और फिरोज नाडियावाले ने ये भी क्लेम किया कि प्रियदर्शन का बिहेवियर काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था। He was the director, but the entire credit, I would say 101% for the final product of Hera Feri should go only to Mr. Neeraj Vora, Akshay ji and Paresh ji. तो प्रियदर्शन एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने माला माल वीकली, भागम भाग, भूल भुलैया जैसी मूवीज डायरेक्ट की, पर अब कहां गए वो? चलिए जानते हैं व्हाट हैपेंड टू प्रियदर्शन। I really enjoy, it's a nice experience working with other language actors and their way of culture and... प्रियदर्शन ने मास्टर ऑफ आर्ट्स इन फिलोसफी किया था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कॉलेज तिरुवनंतपुरम। उसके बाद वो स्किट्स और प्ले लिखते थे ऑल इंडिया रेडियो के लिए। साथ में उनके फादर एक लाइब्रेरियन थे, जिसके वजह से उन्हें रीडिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया। फिर 1984 में उन्होंने अपने फर्स्ट मूवी से डेब्यू किया, पोचा कुरु मोगुकुत्ती, जो एक सुपरहिट फिल्म थी। ये मूवी एक सिंपल स्लैपस्टिक कॉमेडी थी जो लोगों को उस टाइम बहुत ज्यादा ही पसंद आई। उसके बाद उन्होंने एक फैमिली थ्रिलर पे स्विच किया और 1987 तक कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया, जो सारे लाइन से हिट्स थे या तो सेमी हिट थे। प्रियदर्शन अपने करियर का अब तक का बेस्ट देने वाले थे। बेसिकली आई थिंक इट वाज टाइम आई फेल्ट दैट आई नीड अ चेंज। साल था 1988 और प्रियदर्शन की फिल्म वेलनकुंडे नाडु रिलीज हुई। ये मूवी इनके यूजुअल जॉनरा से काफी ज्यादा अलग थी। फिल्म में सोशल इश्यूज, करप्शन, माफिया जैसे एलिमेंट्स थे और ये मूवी एक सुपर हिट थी। फिर उसी साल आई आर्यन, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड पे बेस्ड थी, जो अगेन एक सुपर हिट थी। फिर आई चित्राम, जो अगेन एक हिट थी और ये फिल्म थिएटर्स में फॉर 366 डेज कंटिन्यूसली चली, जो वेल एक कंक्लूजन देता है कि 1988 प्रियदर्शन के करियर का सबसे ज्यादा बेस्ट था। आई थिंक दिस एटीट्यूड शुड बी टेकन बाय एवरी मेकर, बिकॉज़ देन वी कैन मेक अ फिल्म फॉर इंडिया, नॉट फॉर केरला, नॉट फॉर बॉम्बे, नॉट फॉर कर्नाटक, नॉट फॉर तमिलनाडु। 1991 में प्रियदर्शन ने तमिल सिनेमा में भी काम किया, पर हिंदी सिनेमा में उन्होंने अपना कदम रखा 1992 की फिल्म मुस्कुराहट से, जो उनकी खुद की फिल्म किलू काम का रीमेक था, जो वेल एक फ्लॉप थी। पर इन्होंने वापस हिंदी सिनेमा में कमबैक किया गदिश मूवी से, जो रीमेक था किरदोम का, जो वेल एक हिट थी। फिर 1966 में काला पानी, जो एक हिट साबित हुई, फॉलोड बाय 1997 की विरासत, जो वेल यू गेस्ड इट राइट एक हिट थी। और प्रियदर्शन ने हिंदी सिनेमा में अपना पैर जमा दिया था। हेलो, बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है, बोल। साला रख दिया तो भी बात करता है। साल था 2000। ये वो साल था जब रिलीज हुई हेरा फेरी, जो रीमेक था रामजी राव स्पीकिंग का, और ये मूवी एक इंस्टेंट हिट थी। ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसने ये मूवी नहीं देखी हो। इसके मीम्स आज तक बनते रहते हैं और ये फिल्म ने प्रियदर्शन को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक हाउस होल्ड नेम बना दिया था, और साथ में वेल अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को भी। उसके बाद प्रियदर्शन बिल्कुल भी रुके नहीं। ये तेरा घर, ये मेरा घर, हंगामा, गरम मसाला, क्यूकी जैसी मूवीज उन्होंने दी, जो आज भी क्लासिक में गिनी जाती है। उसके बाद भी चुप चुप के, भागम भाग, माला माल वीकली, ढोल, भूल भुलैया, दे धनाधन, मेरे बाप पहले आप जैसी सक्सेसफुल मूवीज इन्होंने दी, और प्रियदर्शन का करियर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफी सही ट्रैक पे चल रहा था। फिर उसके बाद बिल्लू, बम बम बोले, खट्टा मीठा, आक्रोश, तेज जैसी मूवीज फ्लॉप हो गई और प्रियदर्शन वापस मलयालम सिनेमा पे फोकस करने चले गए। उन्होंने कमबैक किया हंगामा 2 के साथ, पर वेल वो मूवी चली नहीं और ओटीटी पे रिलीज होने के बावजूद उसे बहुत ज्यादा ही नेगेटिव रिस्पांस मिला। वी आर रिलीजिंग द फिल्म, बट दैट इज सच अ ह्यूज फिल्म, वी कांट पुट इट ऑन ओटीटी। तो काफी इंटरेस्टिंग करियर रहा है प्रियदर्शन का, पर क्या हुआ उनके साथ?
मैं जब प्रियदर्शन के ऊपर रिसर्च कर रहा था, एक नाम बहुत ज्यादा उभर के आ रहा था, वो था द लेजेंडरी लेट नीरज वोरा। नीरज वोरा एक एक्टर, डायरेक्टर और राइटर थे जिन्होंने कई सारी मूवीज में रोल प्ले किया है और सुपरहिट मूवीज जैसे कि भूल भुलैया, हलचल, हेरा फेरी, भागम भाग जैसी मूवीज इन्होंने लिखी है और फिर हेरा फेरी मूवी को इन्होंने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। पर 2016 में नीरज वोरा पास्ड अवे कार्डियक अरेस्ट की वजह से और इंडस्ट्री ने एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट को खो दिया, स्पेशली प्रियदर्शन ने, क्योंकि जब भी नीरज वोरा और प्रियदर्शन ने काम किया है दोनों ने मिलकर साथ में बड़े बड़े हिट्स दिए इस इंडस्ट्री को। और जब भी प्रियदर्शन ने सोलो काम किया है हिंदी सिनेमा में उन्हें बहुत रेयरली हिट्स मिले। Good screenplay, you shoot it badly also it will work, but a bad screenplay, however well you shoot it, will not work. 2016 में प्रियदर्शन और उनकी वाइफ लीसी प्रियदर्शन के बीच डिवोर्स भी फाइनल हुआ, जिससे उनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स भी काफी बढ़ गए और उन्हें मेंटली काफी बड़ा सेटबैक मिला। When I make films in South, I try different genres of film. But when I come here, what people expect me out of me is only entertainment. एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि वो हिंदी सिनेमा में एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट चलता है, इवन उसमें कोई मीनिंग भी ना हो तो। और वो साउथ में सिनेमा को बहुत ज्यादा ही सीरियसली लेते हैं, शायद यही रीजन है कि उनकी मेजोरिटी ऑफ फिल्म्स रीमेक थी। मुस्कुराहट रीमेक थी किलू काक की, गर्दिश रीमेक थी किरदाम की, हेरा फेरी रीमेक थी रामजी राव स्पीकिंग की जो खुद बेस्ड थी 1971 की सी द मैन रन की, हंगामा रीमेक थी पोचा कुरु मुकुत्त की, हलचल रीमेक थी 1991 की गॉड फादर की, गर्म मसाला रीमेक थी बोइंग बोइंग की, चुप चुप के रीमेक थी पंजाबी हाउस की, भूल भुलैया रीमेक थी मानचित्रा थाजू की, और लिस्ट बहुत ज्यादा ही लंबी है, बट यू गेट माय पॉइंट राइट। अगर तुम प्रियदर्शन की फिल्मोग्राफी उठा के देखो तो मेजॉरिटी ऑफ साउथ फिल्म्स भी उनकी रीमेक ही है, पर हंगामा 2 के बाद उन्होंने ओरिजिनल्स पे फोकस करना ज्यादा शुरू कर दिया साउथ इंडस्ट्री में, और अब वो बना रहे हैं जो उन्हें बनाने में ज्यादा मजा आता है और उन्हें ज्यादा पसंद है। शायद इसीलिए वो हेरा फेरी 3 डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं और फराज साम जी को सेलेक्ट किया गया है। आई डोंट नो मूवी कैसे जाने वाली है। दे वुड लाइक टू सी दोस कैरेक्टर अगेन, दैट्स फाइन, बट आई थॉट आई कैन नॉट डू जस्टिस एज़ आई हैड डन द ओरिजिनल फर्स्ट। वीडियो के स्टार्ट में मैंने मेंशन किया था कि कैसे फिरोज नाडियावाला ने उन पे एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने हेरा फेरी को बीच में ही छोड़ दिया था और हेरा फेरी को बहुत ज्यादा ही डिप्रेसिंग बना दिया था, जिसका जवाब प्रियदर्शन देते हुए ये कहा कि उन्होंने फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक बनाया है रामजी राव स्पीकिंग का, तो वेल वो मूवी डिप्रेसिंग कैसे हो सकती है, एंड अगर उनका बिहेवियर इतना अनएक्सेप्टेबल था तो इंडस्ट्री में उन्हें काम क्यों मिलता रहा और बड़े बड़े स्टार के साथ उनके संबंध क्यों अच्छे हैं, जो बात बिल्कुल सही है। मैंने भी उनसे एक बार पूछा कि आप कैसे मुझे कास्ट करते हो, तो बोलते हैं कि राजपाल मुझे जब आप सेट पे होते हो काम करते हो तो मुझे एनर्जी मिलती है। इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं कि प्रियदर्शन एक टैलेंटेड फिल्म मेकर है, उनकी फिल्म मेकिंग का स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक है, जिस वे में वो साउंड करते हैं, जिस वे में वो सीन्स पे फोकस करते हैं, जिस वे में वो इंटेंसिटी को मेंटेन करते हैं एंड सिचुएशन कॉमेडी क्रिएट करते हैं, वो काफी ज्यादा ही फनी है। उनकी फिल्म मेकिंग का स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक है जो मुझे आज भी बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है। उन्होंने कई सारी फिल्म बनाई अपने करियर में और अब वो लो की रह के वो बनाना चाहते हैं जो सीरियस हो और उसका कुछ मीनिंग हो, और वो बनाते वक्त उन्हें मजा भी आए, और शायद यही रीजन है कि वो हिंदी सिनेमा को छोड़ के साउथ के सिनेमा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड विल शायद यही जवाब देता है इस सवाल का, व्हाट हैपेंड टू प्रियदर्शन। I make commercial films, I played for the gallery. When I make this kind of films, which I call a little bit of realistic cinema, I basically make it for to satisfy myself. तो तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा? वेल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और प्रियदर्शन का तुम्हारा फेवरेट मूवी कौन सा है? वेल वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मेरा एंगेजमेंट जरूर बढ़ाना। और तुम अगर चाहते हो कि हम ऐसे और वीडियोस बनाते रहे तो वेल इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इस वीडियो पे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तुम हमारे सोशल हैंडल्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे हैंडल्स ये रहे। एंड वेल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।